अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 22, वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। और इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। तो दिस इज़ स्टार्ट करते हैं हम वेरिएशंस और जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन से। सो अगर जेनेटिक्स के बारे में देखें, जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडीज द जीन्स। बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं जीन्स को, हम उसे क्या कह रहे हैं, जेनेटिक्स कह रहे हैं। यहाँ पर वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स मींस इसके दो से तीन मीनिंग्स निकल सकते हैं। फर्स्ट मीनिंग ये है कि वेरिएशंस की बात की जा रही है कहाँ पे, जीन्स के अंदर वेरिएशंस की बात की जा रही है, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें एवोल्यूशन की बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर जीन्स क्या काम करते हैं, जीन्स हमारी बॉडी के अंदर ट्रेट्स बना रही हैं, ट्रेट्स खसूसियात को डिटरमाइन करते हैं। जीन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, ट्रेट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, ट्रेट्स खसूसियात। अब ट्रेट्स मोस्टली जो हैं वो दो तरह से हो सकती हैं, एक हो सकती है बच्चे कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेट, एंड सेकंड वन इज द डिसकंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेट। कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेट्स एंड सेकंड वन इज द डिसकंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेट। कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेट यानी कि ऐसी ट्रेट्स जो कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, उन ट्रेट्स को क्या कहेंगे, कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेट। सेकंड वन इज जो क्या है कि तमाम जो जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या है, वो चेंज नहीं हो रही, उन्हें कहेंगे डिसकंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेट। ऐसी ट्रेट्स भी होती हैं भाई जो हर जानदार में चेंज नहीं हो रही। जी बिल्कुल बच्चे, ऐसे भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करता हूँ, ए बी ओ ब्लड ग्रुप टाइप्स की बात कर लेता हूँ, तो इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंसान हैं, ऑर्गेनिज्म है, उनका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या फिर ओ होगा, इसके अलावा और नहीं हो सकता। सो दिस इज़ अ डिसकंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेड, यानी कि ये फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल यही रहेगा, इसके अलावा कोई और ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेड, यानी कि मुसलसल चेंज हो रही हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइट की बात कर लेता हूँ, हाइट हर इंसान की डिफरेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब में जो लोग रह रहे हैं उनकी हाइट सिर्फ 5.4 से सिर्फ यहीं तक है या इससे ज़्यादा है या इससे कम है। और जो हाइट है, इट इज़ चेंजेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मोहम्मद इरफान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, किसी की हाइट नॉर्मल है, किसी की छोटी होती है। सो ये कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक है। सो दूसरे माइनिंग हम ये ले सकते हैं, और पहला माइनिंग मैंने क्या कहा, मैंने कहा भी हम यहाँ पर वेरिएशंस की बात करेंगे जेनेटिक्स के अंदर। इस पूरे चैप्टर के अंदर किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया, इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ जिक्र किया गया है कि जीन्स किस तरह से ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब जीन्स होते क्या हैं। सो हेयर इज द सेल, ये एक सेल है, तो बताइए बच्चे कौन सा सेल है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। दिस वन इज अ एनिमल सेल, बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल सेल, बिकॉज यहाँ पर बच्चे मैंने सेल वॉल नहीं बनाई, और सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल, एंड इन द सेंटर ऑफ द सेल देयर इज अ ब्रेन ऑफ सेल, एंड ब्रेन ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। इन साइड द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्रोमोसोम कब दिखाई देंगे, जब सेल डिवीजन होगी उस वक्त क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एनिमल सेल बनाया है जिसके अंदर सिर्फ मैंने चार क्रोमोसोम लिए, ओनली फोर क्रोमोसोम्स आर डिटरमाइंड इन दिस एनिमल सेल, चार क्रोमोसोम है। अब ये जो बच्चे क्रोमोसोम्स हैं, दीज क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बच्चे मिलके बनते हैं न्यूक्लियोसोम से, इससे मिलके बनते हैं न्यूक्लियोसोम से मिलके बनते हैं। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम जस्ट इज अ, इट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन के इर्द गिर्द इस तरह से डीएनए लिपटा हुआ होता है, इस तरह से डीएनए क्या होगा, लिपटा हुआ होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे हम नाम दे देंगे न्यूक्लियोसोम। और जब न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलेंगे, और न्यूक्लियोसोम्स के आपस में मिलने से क्या बन जाएगा, आपके पास बच्चे बन जाएगा क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम है ये किस चीज़ से मिलके बनते हैं, न्यूक्लियोसोम इज मेड अप फ्रॉम हिस्टोन प्रोटीन एंड द डीएनए, इस तरह से। अब न्यूक्लियोसोम या क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलके बने, इट इज मेड अप फ्रॉम डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस द ग्लोबुलर प्रोटीन, एंड दिस इज न्यूक्लियो नोन एज द हिस्टोन प्रोटीन। और बच्चे अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर
छोटे छोटे फैक्टर्स मौजूद हैं, उन फैक्टर्स को कहेंगे जीन्स, जो कि क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्रेट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो जीन्स कहाँ पर मौजूद है, डीएनए। डीएनए कहाँ पर है, डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट है। इट्स मीन्स डैट ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे फैक्टर्स होंगे और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। उन फैक्टर्स को हम क्या नाम देंगे, उन फैक्टर्स को कहेंगे जीन्स। क्या कहेंगे, जीन्स कहेंगे। सो जीन्स को आपने डिफाइन कैसे करना है, जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए। जीन क्या है, सबसे छोटा पार्ट होगा किसका, डीएनए का सबसे छोटा पार्ट है, जो क्या डिटरमाइन कर रहा है, दैट डिटरमाइंस ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए, दैट डिटरमाइंस ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। व्हाट इज क्रोमोसोम, द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमाटिन, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्या है, क्रोमाटिन इस तरह से धागा होता है जो बिखरा पड़ा होगा अगर सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, लेकिन जब सेल डिवीजन होती है ये क्रोमाटिन चेंज हो जाएगा, कंडेंस्ड कर लेगा खुद को, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। सो द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन इज नोन एज क्रोमोसोम एंड डी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमाटिन। सो क्रोमाटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है, इसके अलावा जीन्स क्या है, न्यूक्लियोसोम्स क्या है, न्यूक्लियोसोम को हिस्टोन प्रोटीन और उसके इर्द गिर्द क्या लिपटा है, डीएनए लिपटा है, उसको आप क्या कह रहे हैं, उसे आप कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम्स कह रहे हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, जीन्स के आगे, जीन्स के जो पार्टनर होते हैं उसको हम कहते हैं अलील्स। क्या कहते हैं, अलील्स। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए, डैट इज द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, यहां पर मैं सिर्फ तीन वर्ड्स लिखूंगा। फर्स्ट वर्ड है होमोलोगस क्रोमोसोम इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या होगा, एक पेयर होगा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। और वो पेयर ऐसे नहीं बनेगा, बल्कि वो जो उस पेयर के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। क्या होंगे, आइडेंटिकल क्रोमोसोम होने चाहिए, दोनों क्रोमोसोम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन लास्ट वाली लाइन जो देखें, बट नॉट नेसेसरी, देखिए एक साइड में मैं कह रहा हूँ कि आइडेंटिकल होने चाहिए, दूसरी साइड में मैं कह रहा हूँ कि नेसेसरी नहीं है। सो इसको देखते हैं हम, देखिए जरा बच्चे, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम लिए थे, ओनली फोर क्रोमोसोम। अब ये जो फोर क्रोमोसोम मैंने इस सेल के अंदर लिए हैं, इस सेल के अंदर जो फोर क्रोमोसोम हैं, उन फोर क्रोमोसोम में से दो क्रोमोसोम ऐसे आपको मिलेंगे जो हूबहू एक दूसरे से मैच करेंगे, यानी कि एक ट्रेट, एक जीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ ये जो रेड वाला क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन है जो डिटरमाइन कर रहा है कलर को, स्किन कलर को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। किसके ऊपर, ये जो रेड वाला मैंने यहाँ पे बनाया, इसके ऊपर कौन सा जीन है, ऐसा जीन मौजूद है डैट डिटरमाइंस द स्किन कलर। इट्स मीन्स डैट कि इसी सेल के न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम आपको और ऐसा मिलने वाला है जिसके ऊपर हूबहू यही जीन होगा, जिसके ऊपर क्या, कौन सा जीन होगा, स्किन कलर को डिटरमाइन करने वाला जीन होगा, यानी कि क्रोमोसोम का एक और हूबहू उसी की आइडेंटिकल कॉपी होगी, उसका जो पेयर बनेगा उसको क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखिए, अब ये वाला जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वही जीन्स इस क्रोमोसोम के ऊपर है, जो लेंथ इस क्रोमोसोम की है वही लेंथ इस क्रोमोसोम की, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स क्या है, आइडेंटिकल हैं। दोनों क्रोमोसोम्स क्या है, आइडेंटिकल, यानी कि जितने क्रोमोसोम, मिलियंस ऑफ क्रोमोसोम इसके ऊपर है और मिलियंस ही क्रोमोसोम इसके ऊपर मौजूद होंगे। अब थोड़ा सा ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं। अगर मैं ह्यूमन के सेल की बात करता हूँ तो ह्यूमन के सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम। अब 46 क्रोमोसोम में अगेन यहाँ पर वही होमोलोगस वाली बात, यानी कि इस 46 क्रोमोसोम में से अगर मैं एक क्रोमोसोम पिक कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पिक कर लिया ये वाला क्रोमोसोम, ये मैंने क्रोमोसोम क्या कर लिया, पिक कर लिया। अब इसी की तरह का एक और क्रोमोसोम भी तो मौजूद होगा ना, हूबहू जो बिल्कुल इसी से क्या करेगा, मैच करेगा। अब ये जो पेयर बन चुका है जिसमें दोनों क्रोमोसोम सेम है, इस पेयर को हम नाम देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, यानी कि हमारे जो सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो होमोलोगस पेयर्स कितने बन जाएंगे, होमोलोगस पेयर्स बन जाएंगे 23 होमोलोगस पेयर्स बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर बच्चे बात हो रही है कि चार क्रोमोसोम है, चार क्रोमोसोम में तो कितने पेयर्स बन रहे हैं,
टू पेयर्स बन रहे हैं, कितने पेयर्स बनेंगे, टू पेयर्स बनेंगे। अब एक पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर ये वाला बन गया, देखिए ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, ये जो रेड वाला पेयर है, इस पेयर के ऊपर जीन मौजूद है। अब ये जो जीन है, ये जीन क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये जीन सी मौजूद है जो डिटरमाइन कर रहा है कलर को, किसे डिटरमाइन कर रहा है, कलर को डिटरमाइन कर रहा है। अगर जीन, अब ये जीन सी है, इस जीन सी के ना दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब वो कौन से अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक अल्टरनेटिव फॉर्म है कैपिटल सी, दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म है स्मॉल सी। एक है कैपिटल सी, दूसरा है स्मॉल सी। देखो जीन ये भी कलर वाला ही है, ये जीन भी कलर वाला ही है, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ ये है, अगर कैपिटल सी आएगा तो उसका जो कलर है ऑर्गेनिज्म का वो क्या बनने वाला है, यहाँ पर उसका जो कलर है वो ब्लैक बन जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल सी आएगा तो स्मॉल सी से उसका जो कलर है वो कलर ब्लैक नहीं बनेगा, बल्कि उससे जो कलर होगा वो थोड़ा सा आ जाएगा यहाँ पर डार्क ब्लू की शेप में आ जाएगा, ठीक है। लेट कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए मैंने सिर्फ चार क्रोमोसोम्स लिए थे, ओके। अब इसके ऊपर क्या कहा मैंने, ये होमोलोगस का पेयर है। देखो क्रोमोसोम, ये भी जीन है, ये भी जीन है, लेकिन ये उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म आ गई, ये डोमिनेंट आ गया कैपिटल की फॉर्म में आ गया, ये रिसेसिव आ गया स्मॉल फॉर्म में आ गया। तो देखिए जरा यहाँ पर मैंने कहा ये जो जीन है ये भी क्या काम कर रहा है, ये भी कलर को डिटरमाइन कर रहा है, ये भी कलर को डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये था कि अगर ये वाला आया तो ब्लैक आएगा, अगर वो वाला दूसरा वो उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म आई तो क्या आएगा, डार्क ब्लू आ जाएगा। अब होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर देखें, यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल सी है, दूसरे के ऊपर क्या मौजूद है, स्मॉल सी। तो देखिए जरा अब होमोलोगस को कैसे डिफाइन किया था, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पेयर जो क्या है, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब जो जीन्स इसके ऊपर है वही जीन्स इसके ऊपर है। देखिए कलर वाले जीन इसके ऊपर है, साथ वाले के ऊपर भी कलर वाला जीन है, लेकिन लास्ट में मैंने लिखा नॉट नेसेसरी। अब नॉट नेसेसरी लिखने का मतलब ये था कि इसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं वो सेम नहीं है, एक के ऊपर कैपिटल है दूसरे के ऊपर स्मॉल है, जीन सेम है लेकिन उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, डिफरेंट है। जीन सेम का मतलब ये कि जो इसने भी कलर डिटरमाइन करना है, इसने भी कलर डिटरमाइन करना है, लेकिन उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म देखिए, यहाँ पर कैपिटल सी है, यहाँ पर है स्मॉल सी, यहाँ पर डोमिनेंट है, यहाँ पर क्या है, रिसेसिव है। सो उसे हम क्या कहेंगे, जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगी जीन की उसे कह देंगे अलील। सो पार्टनर ऑफ जीन, यानी कि जीन का जो पार्टनर है, ये जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है जो किस पर मौजूद होगी, वो मौजूद होगी होमोलोगस क्रोमोसोम पर। तो एक ये क्रोमोसोम, दूसरा ये क्रोमोसोम, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, तो देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म एक कैपिटल है, दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म है स्मॉल, वो मौजूद है पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि उसके होमोलोगस पेयर पे मौजूद है, तो उसे आप क्या कह देंगे, उसे अलील्स कह देंगे। सो व्हाट इज जीन, जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए, किसका पार्ट था, डीएनए का पार्ट था। और जब जीन्स क्या कर रहे थे, जीन्स ट्रेट्स को डिटरमाइन कर रहे थे। अब ट्रेट्स को डिटरमाइन कर रहे थे, लेकिन जीन्स की फॉर्म कितनी आ गई, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ गई हैं। अब वो जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनमें से एक कैपिटल है, दूसरी क्या है, रिसेसिव है। एक क्या है, कैपिटल फॉर्म है, दूसरी कौन सी फॉर्म आ गई, रिसेसिव फॉर्म आ गई। और ये किस पे मौजूद होंगे, डेट विल बी प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे। तो यहाँ पर ह्यूमन में कितने थे, 23 पेयर थे। सो लेट्स सपोज, फर्ज कर लें बच्चे, इस 23 पेयर में से एक पेयर होमोलोगस का ये पड़ा है, ये बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब ये जो बच्चे पेयर आपके पास आ चुका है होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो यहाँ पर एक जीन की बात कर लेते हैं। अब वो जो जीन है, डैट जीन्स डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये मेरे हेयर्स के कलर को डिटरमाइन कर रहा है। अगर तो जीन बी आ गया, अगर जीन आ गया, जो जीन बी है डैट डिटरमाइंस द हेयर कलर इन द ह्यूमंस, फर्ज कीजिए, ठीक है। अब इस जीन की बी की भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म आ गई, एक आ गई डोमिनेंट फॉर्म, दूसरी आ जाएगी रिसेसिव फॉर्म। तो हरी है, अब बताते जाएं, अगर कैपिटल बी हुआ तो कलर आ जाएगा, हेयर कलर आ गया ब्लैक। अगर स्मॉल बी आया तो जो हेयर कलर है वो ब्लैक की बजाय थोड़ा सा ब्राउन शेड आ जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा हेयर्स का, ठीक है। तो अब देखिए,
अब जो कैपिटल बी है, होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम सेम होंगे, जीन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, जीन सेम कैसे है? देखे ये जो जीन बी है क्या डिटरमाइन कर रहा है? हेयर कलर। कैपिटल बी भी हेयर कलर डिटरमाइन कर रहा है, स्मॉल बी भी हेयर कलर डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन फर्क क्या था कि एक डोमिनेंट फॉर्म के अंदर मौजूद है इसके ऊपर, दूसरा मौजूद है रिसेसिव फॉर्म के अंदर, तो उसे आप क्या कह देंगे? उसे कह देंगे अलील्स का नाम दे देंगे। अब थोड़ा सा मजीद बात करते हैं उन टर्म्स का जो नेक्स्ट आपने इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट टर्म इज द जीनोटाइप। व्हाट इज द जीनोटाइप? अब जीनोटाइप किसे कहते हैं बच्चे? जीनोटाइप होता है एक स्पेसिफिक जो कॉम्प्लीमेंट होगा या स्पेसिफिक जो कॉम्बिनेशन होता है एक जीन के अंदर, जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होगा अलील्स का या जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को क्या कहेंगे हम? उसे कह देंगे जीनोटाइप का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए जरा, यहां पर ह्यूमन के अंदर यही क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर लेता हूं। अब ये जो पेयर है, दिस इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ये जो पेयर है ये एक जानदार के अंदर मौजूद है। तो यहां पर देखिए कौन कौन से अलील हैं। यहां पर अलील मौजूद है, एक कैपिटल बी की फॉर्म में है, दूसरा जो अलील है वो स्मॉल बी की फॉर्म में है। तो यहां पर डोमिनेंट कौन सा, कैपिटल बी और स्मॉल बी? हियर इज द डोमिनेंट, द कैपिटल बी, एंड द कैपिटल बी डिटरमाइंस द हेयर कलर, एंड विच काइंड ऑफ हेयर कलर? इट्स अ ब्लैक कलर। सो इट्स मीन्स डैट इफ एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंस आर हैविंग दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स इन अ जीन, देन वी कैन से दैट द जीन कलर, द जीन दैट डिटरमाइंस द हेयर कलर, एक ऐसा जीन जो क्या डिटरमाइन कर रहा है, जो कि डिटरमाइन कर रहा है हेयर कलर को। मैंने बात की यहाँ पे एक ऐसा जीन जो क्या डिटरमाइन कर रहा है, हेयर कलर को डिटरमाइन कर रहा है एक जानदार के अंदर, अगर उसके अंदर इस फॉर्म में अल्टरनेटिव फॉर्म्स मौजूद हुई जीन्स की, जिनके कैपिटल भी हुआ और स्मॉल भी हुआ, तो आप क्या कहेंगे? वहाँ पर कलर क्या आ गया? ब्लैक आ गया। अब ब्लैक कलर, उसके बालों का ब्लैक कलर क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर जीन्स की जो फॉर्म्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंट हैं, वो क्या है? कैपिटल बी और स्मॉल बी की फॉर्म में, और बी कैपिटल बी क्या था? डोमिनेंट था। अब ये जो है, दिस वन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इन अ जीन, ये जो कॉम्बिनेशन एक जीन के अंदर है, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप नाम दे देंगे, किस चीज़ का नाम देंगे? इसे हम नाम दे देंगे जीनोटाइप का। इसको दो से तीन तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ जीनेटिक कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप, या फिर आप इसको जीनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीन्स भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक जीन के अंदर जो कॉम्बिनेशन है उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म यानी कि अलील्स का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या कह देंगे? उसे आप कह देंगे जीन्स का नाम दे, उसे आप सॉरी नाम दे देंगे जीनो टाइप का नाम दे देंगे। अब देखें बच्चे, ये होगी जीनोटाइप। अब जीनोटाइप जो है ये कौन सा कलर दे रहा है हेयर्स को? इट डिटरमाइंस द ब्लैक कलर। अब जीन्स के कॉम्बिनेशंस के नतीजे में, कॉम्बिनेशंस के नतीजे में जो कलर बना है ये कलर होगा फिनोटाइप। इस कलर को क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे, यानी कि फॉर्म ऑफ अपेयरेंस। ये जो जीन्स हैं ये जिस चीज़ को अपेयर करने वाले हैं, जिस चीज़ को शो करेंगे, जिस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे, उसे क्या कहेंगे? फिनोटाइप कह देंगे। फर्ज कीजिए, लेट सपोज यहाँ पर करीब ये गार्डन है। अब उस गार्डन के अंदर बच्चे रेड रोजेज हैं। कौन से हैं? रेड कलर के रोजेज हैं। अब वो जो रेड रोज हैं रेड कलर में हैं, तो उसको फ्लावर्स का जो बच्चे रेड कलर है, फ्लावर का जो रेड कलर है, बताइए वो जीनोटाइप है के फिनोटाइप है? बताइए जरा, वो रेड कलर है उसके फ्लावर्स का, वो जीनोटाइप में आ रहा है या फिनोटाइप में आ रहा है? देखिए उसका कलर जो है वो किस में आएगा? दैट विल बी इंक्लूडेड इन द फिनोटाइप। किस में आ गया? फिनोटाइप में आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि उसका जो रेड कलर है वो अलील कैपिटल आर की वजह से है, तो हो सकता है उसके अंदर कॉम्बिनेशन ये वाला हो, दोनों कैपिटल आर हो, जिसकी वजह से रेड आ गया। हो सकता है उसके अंदर कॉम्बिनेशन कैपिटल आर और स्मॉल आर हो, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, इसी वजह से ही रेड कलर आ गया। तो अब जो रेड कलर है फ्लावर का वो फिनोटाइप है, लेकिन जिसकी वजह से वो अपेयर हुआ है वो क्या आ जाएगा? वो जीनोटाइप में आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर मैंने ये कॉम्बिनेशन क्यों लिखा? बिकॉज हमने बात की थी कि जो जीन होगा उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगी वो
होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर होंगे। कहाँ पर होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल बी था, दूसरे के ऊपर था स्मॉल बी। डैट्स वाई मैंने यहाँ पर उसको कंबाइन किया है कैपिटल बी और स्मॉल बी के फॉर्म में, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम है वो होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि वहाँ पर कैपिटल बी भी आपको मिलेगा। एक क्रोमोसोम अगर मिल रहा है जिसके ऊपर कैपिटल बी है, तो उसका जो पेयर है उसके ऊपर आपको ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म भी होगी। अब जो बच्चे जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप दो तरह से होती है। एक होती है होमोजाइगस जीनोटाइप, होमोजाइगस जीनोटाइप, और दूसरी होती है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। अगर मैं बात करता हूँ होमोजाइगस जीनोटाइप के, तो बच्चे होमोजाइगस जीनोटाइप एक ऐसी जीनोटाइप होगी जिसमें जो दोनों अलील्स होंगे वो दोनों अलील्स सेम होंगे। होमोजाइगस, होमो मीन सेम, तो एक ऐसी जीनोटाइप जिसमें एक जीन की दोनों जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल बी हो तो साथ में उसकी हूबहू कैपिटल बी होना चाहिए, अगर स्मॉल बी हो तो साथ में क्या होना चाहिए, स्मॉल बी ही होना चाहिए। इस तरह के जो जीनोटाइप होगी उस जीनोटाइप को कहेंगे होमोजाइगस जीनोटाइप। इसके बरक्स हेट्रो मीन डिफरेंट, तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में जो दोनों अलील्स होंगे डेट विल बी डिफरेंट। एक अगर कैपिटल बी है दूसरा आ जाएगा स्मॉल बी, अगर एक कैपिटल सी है दूसरा आ जाएगा स्मॉल सी, तो इसे आप क्या नाम देंगे, इसे आप नाम दे देंगे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के नाम दे देंगे। अब एक लास्ट टर्म, अब वो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है बच्चे वो रिलेट कर रही है व्हाट इज द जीन पूल। जीन पूल किसे कहते हैं, जीन पूल। अगर मैं बात कर लेता हूँ एक पॉपुलेशन की, किसकी बात करता हूँ, पॉपुलेशन की बात करता हूँ, यानी कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होंगे वो पॉपुलेशन में इंक्लूड किए जाएंगे। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ जी एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 10 लोग हैं, 10 ऑर्गेनिज्म हैं या 10 ह्यूमंस हैं, या फिर मैं कहता हूँ एक क्लास है स्टूडेंट्स की, ठीक है, किसकी है, स्टूडेंट्स की क्लास है बच्चे, और उसमें कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ओके। अब इन 10 स्टूडेंट्स के अंदर फर्ज कीजिए ऐसे होगा नहीं, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ लेट कीजिए, इन 10 स्टूडेंट्स के अंदर जो एक स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट में से जो एक स्टूडेंट है उसके अंदर हैं 10 ट्रेड्स, कितने अंदर है 10 ट्रेड्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल ट्रेड्स कितने आ गए, अब टोटल ट्रेड्स आपके पास आ चुके हैं 100 ट्रेड्स। एक स्टूडेंट के अंदर 10 हैं तो 10 स्टूडेंट के अंदर 100 ट्रेड्स आ गए, और ये जो 100 ट्रेड्स हैं इट इज़ डिटरमाइंड बाय द 100 जीन्स। कितने जीन्स इसको डिटरमाइन करें, 100 जीन्स डिटरमाइन करें। 100 जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स कितनी है, दो, एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, 200 अलील आ गए। अब ये टोटल नंबर आप जो निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ अलील्स और ट्रेड्स इन अ पॉपुलेशन, उसको आप क्या नाम दे देंगे, जीन पूल का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, जीन पूल का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर जो 10 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स में फ़र्ज किया कि 10 ट्रेड्स हैं, 10 जीन्स आ गए अल्टरनेटिव, 10 जीन्स हैं एक के अंदर, तो 10 स्टूडेंट्स में 100 जीन्स आ गए और 200 उसके क्या आ गई, अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ गए, और ये टोटल जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ चुके हैं, जो जीन्स आ चुकी हैं, डैट विल बी द, ये आपके पास आ जाएगा जीन पूल आ जाएगा। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर फर्स्ट, और इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर सेकंड है डैट विल बी रिलेटेड टू द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इंशाल्लाह वो कल अपलोड कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।